चुनाव परिणाम के साथ ही राजनीति का बवंडर एक बार शांत हो चुका है, लेकिन इन लोकसभा चुनाव में नेताओं ने ऐसे ऐसे बयान दिए कि जो न केवल अपमानजनक थे बल्कि अभद्र भी थे। इन बयानों को सुनकर जनता भी असहज हो गई। आइए आपको ऐसे ही चार नेताओं के बारे में बताते हैं जिन्होंने पीएम मोदी को लेकर ऐसे विवादित बयान दिए। पहला, मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादास्पद बयान देते हुए कहा था कि बीजेपी के लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, यहां तक कि राजनीतिक फायदे के लिए मोदी ने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। दूसरा, नवजोत सिंह सिद्धू। अपने बड़बोले बयानों से बवाल मचाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने इंदौर में एक कार्यक्रम में कहा था, मोदी उस दुल्हन की तरह है जो रोटी कम बेलती है और चूड़ियां ज्यादा खनकाती है ताकि मोहल्ले वालों को पता चले कि वह काम कर रही है। यह मैं आठवीं बार पूछ रहा हूँ कि मोदी मुझे अपनी बस एक उपलब्धि के बारे में बता दें। तीसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में एक चुनावी सभा में मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, जहां भी मोदी जी जाते हैं कहते हैं कि कांग्रेस को लोकसभा में 40 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी, क्या आप में से कोई भी इसे मानता है? अगर कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीटें मिल गईं, तो क्या मोदी दिल्ली के विजय चौक पर फांसी लगा लेंगे? चौथा, प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हरियाणा के अंबाला में कहा था कि इस देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है, इतिहास इसका गवाह है, ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। उन्हें सच्चाई दिखाने के लिए भगवान कृष्ण समझाने गए तो दुर्योधन ने कृष्ण जी को भी बंधक बनाने की कोशिश की। कुल मिलाकर राजनीति में राजनेता एक दूसरे के छवि से लेकर निजी जिंदगी को भी ताक पर लगा देते हैं, इससे राजनीति के गिरते स्तर का पता चलता है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।